नमस्कार, दार्त न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार लाया हूं आज की टॉप हेडलाइंस। आज की सबसे बड़ी खबर, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने म्युनिसिपल इलेक्शंस के लिए तारीखों का किया ऐलान। चार फेज में 8, 10, 13 और 16 अक्टूबर को होंगी इलेक्शंस। 18 सितंबर को निकलेगी पहले फेज की नोटिफिकेशन। अनाउंसमेंट के साथ ही लगाया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। काजीगुंड में चल रहे बड़े एनकाउंटर में लश्कर के टॉप कमांडर गुलजार अहमद पाडर समेत 5 आतंकी ढेर। मारे गए आतंकी लश्कर और हिजबुल तंजीम के थे। पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए ये एक बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। जम्मू में आज पीएचयू वर्कर्स द्वारा एक उग्र प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में हजारों की संख्या में पीएचयू वर्कर्स ने लिया हिस्सा। सरकार विरोधी नारे लगाए। सरकार की तरफ से इनकी मांगों को नहीं सुने जाने के कारण आज इसने उग्र प्रदर्शन का रूप लिया। 19 तारीख को रजौरी के अंदर और 20 तारीख डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर, और उसके बाद भी अगर सरकार के कान नहीं खुलते हैं उस बार पूरी तरह से पानी की सप्लाई ठप करके ट्रेंड लोगों आंदोलन जो जम्मू कश्मीर में शुरू होगा, और उसके बाद पूरी जितनी भी जिम्मेवारी होगी वो जम्मू कश्मीर एडमिशन की होगी। अब स्ट्राइक डिवकॉम कश्मीर। बशीर अहमद खान ने आज कश्मीर डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर्स को लोगों के कामों की प्राथमिकता देने की हिदायत दी। श्रीनगर में एक टाइम पर मिनी सेक्टर कहलाने वाले होटल पंपोश में आज भीषण आग लगी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग में किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई, लेकिन होटल की बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा। जम्मू खिते के लिए अच्छी खबर, आज सांबा एडमिनिस्ट्रेशन ने हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट को एम्स के लिए चिन्हित की गई जमीन को औपचारिक रूप से सौंप दिया। मौके पर मौजूद सांबा की डिप्टी कमिश्नर सुषमा चौहान ने बताया कि जमीन को बिना किसी मसले के अधिग्रहण को शांति से पूरा कर लिया गया। अनुच्छेद 35 पर गवर्नर सत्यपाल मलिक का आया बयान, कहा 35 का मामला काफी देर से न्यायपालिका के अधीन है, जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता तब तक इस पर कोई स्टैंड नहीं लिया जा सकता। साथ में ये भी कहा, चुनाव ना तो दिल्ली के लिए है और ना ही मेरे लिए, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। इसमें लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जम्मू में शिवसेना हिंदुस्तान की तरफ से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्रीय सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सरकार का पुतला जलाया गया। मीडिया को संबोधित करते हुए शिवसेना के प्रदेश प्रमुख ने बताया कि पूरे हिंदुस्तान में आज प्रदर्शन की कॉल की गई थी। मैं राजकुमार, स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट शिवसेना हिंदुस्तान। आज का जो हमारा जो प्रोग्राम था, ये हमारे पूरे हिंदुस्तान में शिवसेना हिंदुस्तान की ओर से जगह जगह पे पेट्रोल और डीजल की बढ़ोतरी को लेकर के हमारा केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध था, और ये जो आज का प्रोग्राम था, हमने आज मोदी सरकार और केंद्र सरकार के विरोध में केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते देश की आर्थिक स्थिति को खोखला करने की चाल को लेकर के ये आज हम इस उनकी गलत नीतियों को आज हम जनता के लाने के समक्ष लाने के विरोध में आज हमारा धरना प्रदर्शन। ये थी आज की टॉप हेडलाइंस, कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।